आज देश के उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सस्पेंडेड 12 विधायकों के मामले में जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये मानता हूं कि इस निर्णय के कारण सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को फिर एक बार लोकतंत्र डेमोक्रेसी बहाल की है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने आर्टिफिशियल मेजॉरिटी तैयार करने के लिए 12 एमएलएस को एक साल के लिए सस्पेंड किया था, ये 12 एमएलएस ओबीसी के हक के लिए सभागृह में संघर्ष कर रहे थे और उपसभापति के चेंबर में जो बात हुई उसको आधार बनाकर, और जो घटना घटी ही नहीं, ऐसी घटना का सृजन करते हुए अपनी खोपड़ी से ऐसी कहानी तैयार करते हुए ये 12 लोगों को सस्पेंड किया गया और आज उस सस्पेंशन को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस असंवैधानिक कृति को इल्लीगल, इरेशनल और असंवैधानिक करार आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक प्रकार महाराष्ट्र सरकार की, एमवीए सरकार की असंवैधानिक कृति पर एक करारा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने जड़ा है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधानसभा है, उसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए और प्रायः कोर्ट भी इस प्रकार का दखल देने के लिए प्रयासरत नहीं होता, वो टालता है। किंतु अगर हम विधानसभा के अधिकारों का दुरुपयोग करके असंवैधानिक कृति करेंगे तो कोर्ट को उसमें एंट्री मिलेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर हमारी विधानसभा को दिया था, जब पिछले हियरिंग में उन्होंने इन 12 एमएलएस को यह कहा था कि आप विधानसभा को एक एप्लीकेशन दीजिए, एक अर्जी दीजिए और विधानसभा उस पर विचार कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता था कि विधानसभा ही और सरकार अपनी इस असंवैधानिक कृति को ठीक करे ताकि कोर्ट को उसमें दखलंदाजी न करनी पड़े। किंतु ये सरकार इतनी अहंकारी है कि इस अहंकारी सरकार ने ये सारी चीजें करने से मना किया और अपने निर्णय को कायम रखा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार का फैसला करना पड़ा है। हम ये मांग करते हैं, जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचकर हमारे 12 एमएलएस को बाहर रखा, अब उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इन 12 एमएलएस को इल्लीगली, इरेशनली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाहर रखने के लिए ये 12 एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की माफी ये एमवीए की सरकार ने मांगनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी मांग है। सर, क्या आप इसकी कोई जांच की मांग करते हैं, जो इस षड्यंत्र को आप कहते हैं और जिस तरीके से 12 विधायकों को निलंबित किया गया, बार बार अर्जी दी गई कि विधायकों का निलंबन रद्द किया जाए? देखिए, अब विधानसभा की जांच तो कोई कर नहीं सकता है, ऐसा किसी का अधिकार भी नहीं है। मुझे इतना ही लगता है कि जिस प्रकार का थप्पड़ सरकार को पड़ा है, आगे में विधानसभा की कार्रवाई संविधान अनुरूप वो करेंगे और जो लोग संविधान को नहीं मानते
ऐसे लोगों को स्पीकर की चेयर पर नहीं बैठने देंगे। किसने किसने देखिए, न हम लिकर पीते हैं न वाइन पीते हैं, इसलिए ये ऐसी जो बातें हैं इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की दलील देने की जगह ऐसी चीजों से ये सरकार बाज आए कि जिसके कारण महाराष्ट्र ये मध्य राष्ट्र बन रहा है। और हमारा सीधा कहना है, पहले ये बताइए कि आपने क्या डील की है। ये डील के बिना नहीं हुआ है, क्योंकि 8 से 9 साल पहले इसी प्रकार का निर्णय सरकार ने लेने का प्रयास किया था। हम अपोजिशन में थे, हमने बहुत उसका विरोध किया, पूरे महाराष्ट्र ने विरोध किया, माननीय अण्णा हजारे जी ने विरोध किया, उसके बाद इस निर्णय को वापस लिया गया था। अब फिर एक बार यह निर्णय लिया जा रहा है, तो संजय राउत जी प्रवक्ता है ना, वो बताए क्या डील है।